दौड़ के बाबा फरीद आके बुए दे आप दे कदम फड़ ले अर्ज कर दे बाबा जी माफी दे दियो नमक नहीं शक्कर सी। बाबा फरीद हंस के फरमान लगे जाओ जी शक्कर ही होएगी। उन्हें जाके मंडी बोरे बेके सारे शक्कर बन गए। बाबा फरीद एक बेली नु पता लग गया फरमा देने पढ़ाई अजीब बाबा है शक्कर दा नमक बनाई जाता है नमक दी शक्कर बनाई। पाक पतन दी नगरी दा दूला चिश्तियां दा इमाम हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की नारे लगा दो अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद। हजरत बाबा गंजे शक्कर लाहौर गंज बख्श ते ओ गंजे शक्कर हजरत खाजा बाबा जी फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह ताला ने आपने कोल ना एक माई आई ते कहन लगी मेरी बेटी दी सुबह शादी है ते बाबा जी पैसे कोई नहीं ते कोई अता करो। आपको उस वेले पैसे नहीं सर माई नो फरमा लगे माई जी ओ ओ मिट्टी दा ढेला पकड़ के लियो। माई मिट्टी दा ढेला ले आई ना ते हजरत बाबा फरीद ने अपनी तली उते रख के ना ते फरमांदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा शरीफ पढ़िया ते फूक मारी ना ते ढेला माई नू पकड़ाया बाबे दे हाथा च मिट्टी दा ढेला माई दे हाथा च गया ते सोने दा ढेला। माई जदों घर लैके गई ते माई नू ख्याल आया बाबे ने मिट्टी नू कलमा पढ़ के फूक मारी सी ते मैं भी ना मारा। माई मिट्टी दा ढेले रख के ना ढेर लगा लिया ते माई कलमा पढ़ पढ़ सारी रात फूक मारदी रही। सवेरे उठी ते ढेले ढेले रहे माई आके हजरत बाबा फरीद नू कहन लगी कलमा तू भी उसे नबी दा पढ़िया ते कलमा मैं भी उसे नबी दा पढ़िया ते बाबा तू कलमा पढ़ के फूक मारी ते जमीन ते मिट्टी ते ढेले नू सोना बना दिता मैं सारी रात कलमा पढ़े कोई एक ढेला भी सोने दा नहीं बनिया। बाबा फरीद फरमा देने कलमा पढ़ना होवे ते जुबान भी ते फरीद दी चाहीदी है ना। नाल माई नू फरमा लगे असी अल्लाह दे वली कमिटियां नू सोने बना नहीं आए। फरमा दे ने मैं सोना बना के मिट्टी नू असल च दसना चाहना जे मिट्टी आ जाए वली दे कुरबे च ते ओ सोना बन जांदी है ते बंदिया तू भी ते मिट्टी दा ही बणिया है। आ किसे अल्लाह वाले दे बूहे ते तेरे सारे जंगार कढ़ के ते मैलां कढ़ के तेनू सोना बना देवे कदे आ ते सही किसे अल्लाह वाले दे बूहे ते हाथ च हाथ ते दे फिर वेख तेनू सोना बना दा। ओ यार मिट्टी 100 साल पई रवे ते मिट्टी रहिंदी है पर जिस दिन लग जाए ना कुम्हार दे हाथ ओ फिर कदे प्याला बना लैंदा है कदे हांडी बना लैंदा है कदे दे सोने बर्तन बनांदा है पता लग्या है ते मिट्टी पर जिस दिन लगे ना कारीगर दे हाथ सोना उदों बनदा है ते तुम ही मिट्टी बनदिया पर कदे किसे लगे ना कारीगर दे हाथ फिर वे किसे नु तराश के किड़ी सोहनी चीज बना देंदा है पर हाथ ते किसे वली दे लगना एवें नी मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ फरमांदे ने कलब मेरे ते आए चंद्रा बजे कुंजी साया हाथ तेरे आए नाम खुदा दे खोली चंद्रा दिलो लगे अल्लाह मोहम्मद चार यार कौन कौन बोलेगा फरीद का नाम जो बोलेगा जरा जो फरीद से खैरात लेना चाहता है दोनों हाथ फरीद के नाम पे बोले कोई हाथ नीचे ना रहे फरीद का नुक्ता बोले अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद अपोलो जीवे जीवे चूरे वाला चूरे वाले के नाम पे उठाओ हाथ दोनों हाथ सीधे बोले नाना उठाइए जरा शहनशाह चूरा शरीफ पीर सैयद कबीर अली शाह फखरुस्सदा से जो निकाल लेना चाहता है
बोलो जीवे जीवे चूरे वाला जीवे 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 आस्थाना लिया चूरा शरीर बाबा फरीद दो मुरीद आए तो उन्होंने अर्ज की बाबा जी जरा जमीन का किला ना ये असीं तुहाडे नाल लगा दिता ये डेरे वास्ते लंगर एदा मुरीदा वास्ते बाबा जी चंद दिन बाद कब्जा ग्रुप वाले आ गए तुहाडे लाहौर ते कब्जा ग्रुप वाले नहीं ना आंदे बार बड़े आंदे ने यकीन करो क्यों भाई अरिश बात बटी ये प्रॉपर्टी का कम करदे नु ते बधेरा पता होना कब्जा ग्रुप वाले आ गए कह लगे बाबा जी जमीन साड़ी है आपने फरमाया भाई मुरीदा ने मैनू तोहफा पेश किया नजराना ते हदिया पेश किए उन्हें आख्या बाबा जी असीं तुहाडे ना अदालत च केस करांगे आपने फरमाया करो काजी दी अदालत च मुकदमा पेश किया गया बाबा जी ने जदों काजी ने बुलाया ना अदालत च ते काजी बाबा फरीद नूं पुछदा बाबा ये जमीन किहदी है ते बाबा जी कुरान पढ़न लग पए बोले नहीं सुभान अल्लाह आपने फरमाया कुरान ते कहंदा अनल अर्द यानी सुहा इबादी सालिहून अल्लाह ते कहंदा जमीन वलियां दी है उन्हें आख्या बाबा जी को रजिस्ट्री कोई कागजात कोई इंतकाल फरमाया मैनू ते मुरीदा ने दिती है रजिस्ट्री कागज ते कोई नहीं ते काजी कहन लगा बाबा जमीन फिर तेरी ते ना हुई बाबा फरीद फरमान लगे काजी साहब फिर रजिस्ट्रियां की करनी है आ जाओ जमीन को पूछ लेने तू कि बाबा कहन लगा काजी कहंदा बाबा कदे जमीना भी बोलिया फरमाया लोगों की नहीं बोलती फरीद की होवे बोल पैंदी है वक्त मुकर्रर हो गया नौजवानों काजी कबला ग्रुप वालियां नाल आ गया बाबा फरीद मरीदा नूं लै के आके पहली दे पन्ने ते खलो गए काजी वल वेख के बाबा फरीद फरमा देना पूछ जमीन की दी है काजी जमीन वल वेख के कर लगा जमीन दुखी दी है जमीन दे जर्रे जर्रे च आवाज आई ओ काजी अकद आया ने आप लेखे च न रह गई ए दुनिया दी जमीन भी फरीद दी है ओ जन्नत दी जमीन भी फरीद दी है अपने अपने मुर्शिद का तसव्वुर करके बोलो सुभान अल्लाह अजे ते मैं सिर्फ लफ्ज़े वली दे एक तर्जमे ते गुफ्तगू कर रहा वारिस 18 तर्जमे ने लफ्ज़े वली दे किन्ने 18 तकरीना बंदियां अजे मैं 18 महीने ते गुफ्तगू करा मिशकात शरीफ दे हाशिए दे अंदर मिरकात शरीफ दे अंदर 18 मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ने लफ्ज़े वली दे माने लिखे ने डेढ़ दर्जन मैं जे एक ते गुफ्तगू शुरू कीती है कि ए वारिस हुंदे ने ग्रामीय कादर वार हजरत बाबा फरीद ना एक दिन शक्कर बड़ी पसंद सी ना बाबे नूं इन्नी पसंद है अज भी जरा बाबे मिलन जाए बाबा शक्कर दा ही लंगर दे के भेजदा है किसी के घर कोई शक्कर भेजे तो कहंदा तू बाबे फरीद दरबार तो आए उथे अज भी जाके देखो हर पासे शक्कर अज में बाबा कावां वाली सरकार टुर जाए ना गुजरात हर पासे कौं ही कौं नजर आउंदे ने बाबा जी कवियां नाल प्यार करदे सन कावां नाल किसी आख्या हजूर कोई तोता पालदा कोई कबूतर पालदा कोई मोर पालदा कोई चिड़िया पालदा एक काला जिहा कां इहदे नाल भी कदे किसे प्यार कीता तुसीं कां पालदे हो अज भी आप दे मज़ार ते गुजरात चले जो हर पासे कौवे नजर आवणगे हर पासे दरबारां ते कबूतर होंदे ने उत्थे कौवे होंदे ने बाबा कावां वाली हजरत बाबा करमदीन सरकार करम इलाही सरकार अलमरू बाबा कावां वाली पुछे हजूर कां क्यों पालदे हो इहनां नाल क्यों प्यार करदे हो आपने फरमाया मैं सुनिया कव्वे दी उम्र बड़ी लंबी होंदी है किताबा च लिखा है एक कां दी उम्र 500 साल भी होंदी है हजार साल भी कव्वे दी उम्र होंदी है एक
कौवा जदों मरद हद साथी मौत मरद तभी मौत कभी किसी ने नहीं वेख्या होगा जो मरद या तो किसी तूफान से आंधी ना दीवार ना टकरा के मर जाए किसी बिजली की तार ना लग के मर जाए एक्सीडेंट ना मर जाए कौवा तभी मौत मरद कोई नहीं वेखता हयातुल हैवान के अंदर अलामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा और अजायबुल मखलूकात के अंदर भी लिखा कि कौवे की उम्र तकरीबन 500 साल होती है। हजरत बाबा कामा वाली सरकार ने फरमाया मैं सुनिया कवे की उम्र बड़ी लंबी होती है फरमाया मैं इन्हां नाल प्यार इस वास्ते करना मेरे बनेरे ते कवे बैठे रहन ते हो सकता मेरे बनेरे ते किसे दिन वह भी कां आके बैठ जाए जिन्हें कमली वाले नूं वेख्या होवे बजुर्गों के हर काम विच रमज होंदी है। बाबा जी शक्कर नाल प्यार करदे अज भी दरबार ते हर पासे शक्कर है। एक ताजर जा रहा शक्कर दा ना बोरियां भर के ते मंडी वेचन वास्ते बाबा जी नूं शक्कर दी खुशबू आई ते करीब आके फरमांदे ने ए बोरियां च की है उन्हें पता सी के बाबा जी नूं शक्कर बड़ी पसंद है ते मैं हो गया मंडी लेट ते जे मैं दस्या शक्कर है ते बाबा जी ने कहना खिलाओ ते मैं लेट हो जाना वो कहन लगा बाबा जी ये नमक है की है थोड़ा होर औला बोलो तुहानूं नजर ना लग जाए ये की है नमक ते बाबा फरीद फरमांदे ने चलो जी नमक ही होवेगा उन्हें जाके जो मंडी बोरे खोले ते सारा ही नमक उन्हें वेख्या ते लखां दा नुकसान हो गया दौड़ के बाबा फरीद आके बुए ते आप दे कदम फड़ ले अर्ज कर दा बाबा जी माफी दे दियो नमक नहीं शक्कर सी बाबा फरीद हंस के फरमान लगे जाओ जी शक्कर ही होवेगी उन्हें जाके मंडी बोरे बेके सारे शक्कर बन गए बाबा फरीद कबेली नु पता लग गया फरमाते ने पढ़ाई अजीब बाबा है शक्कर दा नमक बनाई जाता है नमक दी शक्कर बनाई भाई रब जदों बाबे नु अल्लाह ने वारिस जो बना के भेजा है जो मर्जी बना दे क्योंकि अल्लाह फरमांदा ये जो चान अल्लाह इन्हां नूं ओह ही देंदा है क्योंकि अल्लाह फरमांदा जिम्मे मैं कहना उवें तू करी जा फिर जिम्मे तू आखेंगा उवें मैं करी जावांगा पर पहले ओ कर जो मैं कहना मैनु मिया साहब ने पर्ची भेजी है कि एक चूरा शरीफ दा अलीपुर सईदां दी भी कोई गल सुना दिओ तो हसा सुभान अल्लाह ना भी आके सुना के मैं फिर भी जानी है क्योंकि जो किसी का आशिक होवे गल उसे दी करदा ते मेरा ते लंगर मदीना शरीफ तो बरासता चूरा शरीफ आंदा है ते मैं ते चूरा शरीफ की गल ना करा मेरा ते गुजारा ही नहीं आंदा भाई तो चूरा शरीफ जमीन की विरासत की गल टूरी सी ते पहले ये सुना ली हजरत बाबा जी सरकार बाबा जी ताजदारे चूरा शरीफ फकरे मुहम्मदी दशन च हजरत बाबा जी पीर सैयद फकीर मुहम्मद शाह गिलानी चूरा रहमतुल्लाह अलैह आप कोहाट दे तबलीगी दौरे ते गए ते दरियाए अटक दे किनारे ते गांव च ठहरे नमाज़े असर दा वेला आप दी आदत मुबारक सी कि आप नमाज खुद नहीं सन पढ़ाते काफिले च जिहड़ा आलम दीन आउंदा सी उन्हूं फरमांदे सन तुसीं नमाज पढ़ाओ उस गांव के अंदर कोई मौलवी साहब सन ते ओह आ के ना ते बाबा जी सरकार नूं फरमांदे ने इह तुसीं कहंदे हो कि नबी पाक मेराज करन गए ते अरशे इलाही ते टुर गए इह नबी पाक आसमान किवें पार करके गए सन मेराज दे मुनकर सन मौलवी साहब बाबा जी फरमान लगे मौलवी जी नमाज दा वेला नमाज पढ़ के जवाब देने नौजवानों उस दिन बाबा जी फरमान लगे आज नमाज मैं आप पढ़ावांगा मुसल्ले ते खलो के ना जदों इकामत पड़ी गई ते बाबा जी मुड़ के मौलवी साहब फरमांद ने मौलवी जी नमाज जरा ध्यान नाल पढ़िया जे नमाज जरा ध्यान नाल पढ़िया जे दरियाए अटक सामने चल रहे दरियाए अटक दे किनारे जड़े वेले तकबीर तहरीमा पढ़ी बाबा जी ने किरात करके जदों कूच गए जदों चारे रकाता दे बाद बाबा जी ने सलाम फेरिया ना ते ओ मौली साहब वेख के हैरान रह गए कि जदों नमाज शुरू की थी दरियाए अटक सामने पे चलता सी जदों नमाज दा सलाम फेरे ते दुआए अटक पिछे ते ए पार
बाबा जी सरकार हस के फरमाते ने मौलवी जी ए दरियाए अटक तुसा नमाज दे विच किवें पार कीता तो पता लगे कहंदे नहीं फरमा बस हजूर भी एवें पार गए सर वारज जमीन दे उच्चा बोलो मोतियां वाली सरकार मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने जे रब दिल दियां अखियां असर दी नमाज दा वेला ते हजरत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी अम्मी नूं कहंदे ने अम्मा जी इजाजत होवे ते चूरा शरीफ पीरां नूं मिलवा पीरां कोल जाया करो सूफिया फरमांदे ने तवज्जो है सूफिया फरमांदे ने नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं मिलके जरा लगाओ नारा मोहम्मद के गुलाम बन के नारे रिसालत या रसूल हाथ चुक के बोलो नारे रिसालत ताजदार खत्मे नबूवत इंज बोलो जिवें खातमे हुसैन रिजवी बोले है एक बारी बोलो सारे जरा लबैक दा ऐसा नारा लाओ दीवारा गवाह हो जाए चुको हाथों में उठाइए नाना दोवे हाथ चुक के जरा बुलंद आवाज में लबैक की सदा मुनकर का सीना फट जाए मिलके लब्बे 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 के या रसूल अल्लाह लब्बे लब्बे आमीन 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 इजाजत होवे ते पीरां नूं मेलावां मां जी रोटियां पे पकांदे सन कहन लगे शाह जी रोटी खा के जाया जे अर्ज कीती अम्मी जी सफर बड़ा दुराडे ते इजाजत दियो ते किधरे रस्ते च ना खा लवां मां इजाजत दीती ते पीर जमात अली शाह साहब तो टूरे 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 चूरा शरीफ चले गए अलीपुर सैयदां जिला नारोवाल दे अंदर ते जिला अटक दे अंदर चूरा शरीफ जद चूरा शरीफ पहुंचे चूरा शरीफ दे बाहर एक पानी दा नाला है उस इलाके दी जुबान च नु कस्सी कहंदे ने चूरा शरीफ तो तकरीबन किलोमीटर डेढ़ किलोमीटर दूर पानी दा नाला है अजय पीर जमात अली शाह साहब कस्सी ते पहुंचे ते इधर हजूर बाबा जी सरकार ताजदार चूरा शरीफ की कस्सी ते आ गए मुरीद ने मुर्शिद की ज़ियारत ते कदम बोसी की थी ते बाबा जी फरमाते ने जमात अली भूख लगी आ अर्ज करदे ने हजूर भूख ते बड़ी लगी है बाबा जी बगल चो दो गरम गरम रोटियां निकाल के फरमान लगे ले जमात अली रोटी खा ले पीर जमात अली शाह फरमाते ने मैं रोटी खाई जावा कस्सी दा पानी पीवी जावा ख्याल आया ते चुल्ला कोई नहीं तंदूर कोई नहीं बाबा जी घर रोटियां कितने ले आए बाबा जी फरमाते ने जमात अली की प्यार सोचना है अर्ज की तिला जी पादा सोचना घर रोटियां कितने आ गई फरमा चुप करके खाई जाओ जेड़िया मां दियां पक दियां छड़ आया से मैं ओई जाके ले इन्ना वास्ते दूर ते नेड़े मुक जांदे ने हाँ जे रब दिल दियां अखियां देवे चानन लावे नूरों वलियां नूं हर शय नजरी आवे क्या नेड़े क्या दूर इन्ना वास्ते जमीन नूं समेट दिता जांदा है क्योंकि जमीन दे वारिस ने गिरामी कदर हजरात बस आखिरी गल करां ते मैं इजाजत नौजवान कह रहे हजूर दे विसाले पाक दे मुतल्लक इक गल सुना दो
ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਜੜ ਗਈ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ رضی اللہ تعالی عنہ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਚੌਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਊਂਟਨੀ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਫ਼ਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗਾਦਾਬਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕਬਰ ਅਨਵਰ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨਜ਼ਰੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਕੂਹੇ 'ਚ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਵਾਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਯਾਫੂਰ ਉਹ ਗਧਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੋਚੋ ਫਿਰ ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾਤੁ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾਤੁ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਲਾਮੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਆਪਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਖਿਰਤ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਬਾਰਕ 24 ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਸੀ ਐਨ ਜਵਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵਣ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀਆਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪੀਵਾਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੈਯਦਾ ਜਾਂ ਸੁਬਹ ਰੋਇਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਰਾਤ ਰੋ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਲੇਜੇ ਫਟ ਜਾਣੇ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਆਰਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਹੀ ਟੁਰ ਗਏ ਉਹ ਮਹਿਬੂਬ ਵੀ ਟੁਰ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਸੈਯਦਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਇਤਨੀ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਾਹ ਮੁਕਰਮ ਆਇਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ 3 ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾਤੁ ਜ਼ਹਰਾ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਖਾਣਾ ਪਈਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਵਿਹੜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਆਪ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸੁਰਮਾ ਡਾਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਫਾਤਿਮਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਸਮਝ ਗਈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਦਾਮਾ ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਘੜੀਆਂ ਨਾਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜੇ ਮੈਂ 2 ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾ ਲਗੇ ਪੁੱਤਰ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜਾਓ ਨਾਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਆਓ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤਾ ਕਰੇ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮ ਇਥੋਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਚਾਨਕ ਸੈਯਦਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਸਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅੱਜ ਅਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੋ ਦਿਨੇ ਵੀ ਰੋਨੀਆਂ ਰਾਤ ਵੀ ਰੋਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਜ਼ਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਾਰਾ ਜੇ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਆਇਆ ਸੈਯਦਾ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੋਲਾ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਜਾਵਾਂ ਹੱਥ 'ਚ
जोड़ के फरमादियां ने मौला अली आज मेरी आखिरी रात है मैं अपने बाबा को टुर चली हूं। मौला अली फरमाते ने जरा तेरे निके निके बच्चे ने इवें दियां गल्लां ना करी सैयदा ने हाथ जोड़ ले अर्ज कर दियां मेरियां चार वसीयत पूरियां करे आज नौजवान जड़े वेले पहली वसीयत दा वेला आया नबी दी शहजादी ने हाथ जोड़ ले अर्ज कर दियां जिंदगी कठिया गुजरी अली तो आधे बच्चों की मावां कदे खिदमत कुताई हुई आवे अपनी जारा नु माफ करिया जे कदे आवाज दी होवे मैं इबादत कर दिया सुनी ना होवे मैनू माफ करिया जे रोके कह लगिया अली अपनी बीवी समझ के माफी ना देओ अपने बच्चों की मां समझ के माफी ना देओ मैनू मुहम्मद दी थी समझ के माफी दे आजे मौला अली रो के फरमाउन लगे जारा इवें दियां गल्लां ना कर मैं बड़ा राजी हां नौजवान सैयदा ने दोबारा हाथ जोड़ ले अर्ज कर दिया मेरा जनाजा रात नू लेके जायो आजे कोई मेरा जनाजा भी ना वेखे मैं परदे दी वारिस आवां तीसरी वसीयत वेला आया ओ लोग कले जाओ फट जांदा होए नबी दी बेटी ने हाथ जोड़े अर्ज कर दिया मैं तुर चली आऊं किन्ना दियां मावां बचपन च छड़ जांदियां ने ओढ़ियां नुकरां च बैठे रोंदियां ने पुत्तर दी वारां लग के रोंदे ने अली मैं तुर चली आऊं मेरा हसन रोवे ना मेरा हुसैन रोवे ना मेरी जैनब कुलसूम न प्यार करे आजे ए दीवारां लग करे मेरी कब्र जरूर तड़प जाएगी मौला दी फरमाउन लगे जारा ओ तेरी नहीं मेरी भी औलाद है नौजवान जड़े वेले आखरी वसीयत दा वेला आया सैयदा हाथ जोड़ के कहन लगिया मौला अली मैं तुर चली हूं मैनू भूल ना जाया जे मेरी कबर दे आउंदे जांदे रहे मौला अली भी रो के हाथ जोड़ ले फरमाया तू नबी दी शहजादी है मैं फकीर जिया बंदा तेरिया खिदमत नहीं कर सके आओ ज्यादा अपने बाबा ने अली दिया शिकायतां ना लावी मेरा नबी पाक नु सलाम कह देवी सैयदा भी रो रही मौला अली भी रो रहे इमामे हसन हुसैन रोंदे आ गए कह लगे अम्मा जे जाई ना मौला अली ने सीने लगा के फरमाया पुत्र रोंदे क्यों अर्द कीती बाबा नाने ते रोंदे ते जावां रे साऊ सो सोहणियां शकलां नजर आईया उन्हें आख्या बजियो जल्दी जाओ जाके मां वेख लो मां तुर चली असा पुजिया तुसी कौन हो फरमाया अल्लाह दे नबी इब्राहिम दे इस्माइल आओ असी सारे नबी तुहाडी मां दी रूह नू लैण आओ दुआ पुत्रां ने मां दे कदमां ते ओट रखे सैयदा दी रूह परवाज कर गई के मावां वाले मावां दे खुले इसै फरियाद ले जाते पर मोया मावा वादे रो रो आपे चुप कर जाते नबी पाक दे विसाले पाक दे बाद छे महीने बाद सैयदा ज़ारा पाक का भी इंतकाल हो गया। गिरामी कदर हजरात अल्लाह ताला दी बारगाह में दुआ कर